चने की फसल पर इल्लियों का अटैक। चने की एक ऐसी फसल है जब दाने भर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रकोप इल्लियों का होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कब और कितनी मात्रा पर कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, जो स्पेशल हमको चने की फसल पर इल्लियों की हम किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज की इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं चने की फसल पर शानदार कॉम्बिनेशन, जो आप अपने चने की फसल पर स्प्रे करके काफ़ी अच्छे से काफ़ी ठीक तरीके से इल्लियों को लंबे समय तक रोकथाम कर सकते हैं। यदि कम इल्लियों का प्रकोप है तो आपको क्या स्प्रे करना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रकोप है इल्लियों का तो हमको अपने चने की फसल पर क्या स्प्रे करना चाहिए। वीडियो को आपको अंत तक देखना है तभी आपको सही नॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चने की एक ऐसी फसल है जो प्रारंभिक अवस्था से ही इल्लियों का अटैक चालू हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अटैक देखने के लिए मिलता है जब चने के दाने भर रहे होते हैं तो उस स्टेज पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर मोटी इल्लियों का प्रकोप, हरी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। चने की फसल पर जो फली छेदक इल्ली होती है काफ़ी ज़िद्दी होती है और यह आसानी से मरती नहीं है, कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक और एक आपको फंगीसाइड स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड में एम्पलीगो ले सकते हैं, जो चने की फसल पर काफ़ी मुश्किल वाली जो इल्लियाँ होती हैं, कंट्रोल ना होने वाली इल्लियों को भी यह कंट्रोल कर लेती है। एम्पलीगो आपको लेना है 80 ml, जिसमें कॉम्बिनेशन है एम्पलीगो में क्लोरएंट्रानीलिप्रोल और लैम्डा सालोथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन है, इसको आपको लेना है 80 ml। इसके साथ आपको एक ऐड फंगिसाइड भी करना है UPL की साफ यानी कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, 300 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। स्टिकर यानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लगभग सही प्रकार की इल्लियों की रोकथाम आप कर सकते हैं, रस चूसक कीट और कटरपिलर की रोकथाम कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग आपकी चने की फसल पर इल्लियों का प्रोटेक्शन देंगी, जिससे न केवल आप इल्लियों की रोकथाम कर सकते हैं बल्कि लगने वाले फंगस की भी आप रोकथाम कर पाएंगे और 14 से 16 दिनों तक क्रॉप प्रोटेक्शन करके रखेगी सजेंटा कंपनी की एम्पलीगो इंसेक्टिसाइड। यदि कम मात्रा पर इल्लियों का प्रकोप है तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम और प्रोफेनोसाइपर का कॉम्बिनेशन आता है 300 ml इन दोनों को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि इल्लियों का और सकिंग पेस्ट का कम मात्रा पर प्रकोप है और यदि बहुत ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप है, कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे ही मौसम खराब होता है इल्लियों का अटैक बढ़ता है, यदि इल्लियों का बड़ी मात्रा पर प्रकोप है तो आप एम्पलीगो का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।